सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन वाले उस्ताद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एमडी कैट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वफाकी स्टैंडिंग कमेटी बनाए से थे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नायब सदर अली रजा को मेडिकल एंट्री टेस्ट में मुबैना बेजाबतगियों पर ज़ाती हैसियत में तलब किया है। सेक्रेटरी स्टैंडिंग कमेटी ने अली रजा को मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एंट्री टेस्ट के करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मुबैना तौर पर मनपसंद कंपनीज को देने की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया है। मजीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ मियाँ नवीद से। नवीद, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये। जी वैस, बिल्कुल, इस मामले को न्यू न्यूज ने उठाया था और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानब से जो है वो पीएमसी को खत लिखा गया जिसके ऊपर जो है वो पीएमसी उसको वजाहत पेश ना कर सकी, जिसकी वजह से जो है वो दोबारा जो है वो स्टैंडिंग कमेटी बनाए सेहत वफाकी की जानब से जो है वो 16 अगस्त को इन पर्सन यानी जाती हैसियत में जो है वो नायब सदर जो है वो अली रजा पीएमसी को तलब कर दिया गया है। रिकॉर्ड में तलब किया गया, इससे पहले नैब और पैपरा भी इस मामले के ऊपर जो है वो पीएमसी को तलब कर चुका है। तो इस हवाले से मैं बता देता हूँ कि एक बड़ा मामला, इसमें 21 मेंबर्स होते हैं और ये 16 अगस्त को तलब किया गया है। तलबी के बाद मजीद पता लगेगा कि क्योंकि बड़ा मामला है मुबैना तौर पर, इस मामले के ऊपर पीएमसी ना तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को मुतमिन कर सकी और ना ही पैपरा रूल की जो है वो पैपरा रूल के ऊपर अमल दरामद किया गया। तो यही वजह है कि वफाकी स्टैंडिंग कमेटी बनाए सेहत ने उनको तलब कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया मियां नवीद। तो ये बुक मैंने काफ़ी दिनों पहले ही रिसीव कर ली थी, मगर मैंने सोचा इसको पढ़कर रिव्यू किया जाए। ये बुक मैंने पढ़ी है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस है और आप देख भी सकते हैं मैंने इस पर प्रैक्टिस भी की हुई है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको बता रही हूँ, इसको इस बुक को पढ़ने के बाद आपको किसी भी किस्म की कोई और पीडीएफ, किसी और भी किस्म की बुक, पास्ट पेपर्स कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ ऑल इन वन, मतलब एक चैप्टर भी इतने एमसीक्यूज देख सकते हैं आप। तो आई थिंक इट्स बेस्ट, आई हाईली रिकमेंड इट।